वेलकम टू मनीष गुरु। आज 11 जनवरी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अपने नए प्रमाण पत्र डिजाइन को भारत में कितने क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 9 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना भारत 2021 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी, इस राष्ट्रव्यापी अभ्यास को कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लगभग 16 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी बांड की 13वीं किस्त 13 से 22 जनवरी 2020 तक जारी की जाएगी, किस बैंक को चुनावी बांड जारी करने और एन कैश करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बलात्कार और पास्को अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 792 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना की योजना में शामिल हो गए हैं? तो ये हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जनवरी 2020 में विश्व प्रसिद्ध संत त्यागराज आराधना संगीत समारोह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे तिरुवयारू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की बैठक हुई और उसने बजट सत्र को 2 चरणों में आयोजित करने की सिफारिश की है? तो ये है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में झिंजियांग का दौरा करने वाले उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो ये किया है रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में निम्न में से किस टीम ने वालेंसिया को 3-1 से हरा कर सऊदी अरब के जेद्दा में स्पेनिश सुपर कप फाइनल बर्थ बुक किया है? तो ये बुक किया है रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही राज्य में लगभग 1100 ग्राम सेवकों की भर्ती की जाएगी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्ल कुमार देब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए जम्मू कश्मीर विशेष चीनी योजना के तहत प्रति किलोग्राम अंत्योदय अन्न योजना परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी किस दर पर मिलेगी? तो ये मिलेगी 13.5 रुपये की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई व्यापार और यात्रा विनिमय एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में आरबीआई ने केवाईसी मानदंडों में संशोधन किया है, जिससे तहत इसके द्वारा विनियमित बैंकों और अन्य उधार देने वाले संस्थानों को बीसीआईपी का उपयोग करना होगा। बीसीआईपी में बी का क्या अर्थ है? तो बी का अर्थ है बीडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सुचेंद्रन थानुमलयान मंदिर का प्रसिद्ध रथ उत्सव किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेशिया समूह के अनुसार 2020 के भू राजनीतिक जोखिम के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलान का विषय क्या है? तो इस बार मिलान का विषय है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया ने निर्भया फंड के तहत भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों को कवर करते हुए वीडियो सर्विलांस सिस्टम के प्रावधान को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 983 भारतीय रेलवे स्टेशनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर से रविशंकर प्रसाद ने जनवरी 2020 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल बिछाने का काम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ये है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के अनुसंधान डेस्क ने वित्त वर्ष 2020 के लिए अपनी जीडीपी वृद्धि के अनुमान को कितना कम कर दिया है? तो ये कर दिया है 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले चेनाब रेलवे पुल की लंबाई कितनी है? ये है 359 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 की अवधि के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ए शक्तिवेल को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd।